यूक्रेन संघर्ष से पैदा हुई वैश्विक चुनौतियों और भारत की अध्यक्षता में हो रहे G20 के लिहाज से जापान के प्रधानमंत्री का भारत दौरा बेहद अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने सोमवार को भारत जापान वैश्विक रणनीतिक साझेदारी का विस्तार करने का संकल्प लिया और कहा कि यह शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही पीएम मोदी ने G20 की अध्यक्षता को बताया ग्लोबल साउथ की आवाज को बुलंद करने का मंच। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के बीच की ये गर्मजोशी बता रही है कि दोनों देशों के रिश्तों में नया अध्याय लिखा जा रहा है। भारत के दौरे पर पहुंचे जापानी प्रधानमंत्री ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में पीएम मोदी के साथ पहले मुलाकात की और फिर दोनों नेताओं ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता में अर्थव्यवस्था और वाणिज्य, जलवायु और ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा, कौशल विकास में सहयोग जैसे तमाम एजेंडे पर बात हुई। दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को बढ़ावा देने में भारत जापान साझेदारी की भूमिका सहित आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। बाद में दोनों प्रधानमंत्रियों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें पीएम मोदी ने बताया कि ये यात्रा क्यों इतनी अहम है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है और जापान G7 की। आज मैंने प्रधानमंत्री किशिदा को भारत की G20 अध्यक्षता की प्राथमिकताओं के बारे में विस्तार से बताया। हमारी G20 अध्यक्षता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज देना है। वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाली संस्कृति सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और इसलिए हमने ये पहल ली है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापानी प्रधानमंत्री की यात्रा को आपसी सहयोग का मोमेंटम बनाए रखने के लिए अहम करार दिया और कहा कि दोनों देशों के संबंध भारत प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करेंगे। भारत जापान स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्य और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर रूल ऑफ लॉ के सम्मान पर आधारित है। इस साझेदारी को मजबूत बनाना हमारे दोनों देशों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, इससे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, समृद्धि और स्थिरता को भी बढ़ावा मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के आर्थिक संबंधों का भी जिक्र किया और कहा कि पिछले साल हमने अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी 3,20,000 करोड़ रुपए के जापानी निवेश का लक्ष्य तय किया था। ये संतोष का विषय है कि इस दिशा में अच्छी प्रगति हुई है। 2019 में हमने इंडिया जापान इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस पार्टनरशिप की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत हम लॉजिस्टिक्स, फूड प्रोसेसिंग, एमएसएमई, टेक्सटाइल्स, मशीनरी और स्टील जैसे क्षेत्रों में भारतीय इंडस्ट्री की कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा रहे हैं। आज हमने इस पार्टनरशिप की सक्रियता पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया, जिसे पीएम मोदी ने स्वीकार कर लिया। जापान सर्विस प्रेसिडेंसी ऑफ G7 एंड इंडिया G20। आई फॉर्मली इनवाइटेड प्राइम मिनिस्टर मोदी टू G7 हिरोशिमा समिट एंड ऑन द स्पॉट माय इनविटेशन वाज इमीडिएटली एक्सेप्टेड। प्रधानमंत्री के रूप में अपनी दूसरी भारत यात्रा पर सुबह दिल्ली पहुंचने पर किशिदा का केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हवाई अड्डे पर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर कलाकारों ने नृत्य के जरिए उनका स्वागत किया। इसके बाद किशिदा राजघाट गए, वहां महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। किशिदा फुमियो ने आगंतुक पुस्तिका में अपने विचार भी साझा किए।
प्रधानमंत्री किशिदा की यात्रा ऐसे समय पर हो रही है जब जापान G7 की अध्यक्षता और भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। जाहिर है दौरा बेहद अहम है और इसके जरिए दोनों देश महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर एक साथ काम करने की राह आसान बना रहे हैं। दिल्ली से अमृतपाल सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।